दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 3 वायर वाला जो सेंसर होता है उसका कनेक्शन करना सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास में 2 सेंसर है। एक सेंसर हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और दूसरा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है। अब ये जो दोनों सेंसर है, ये दोनों के दोनों न्यूट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसी सेंसर का उपयोग करके हम कनेक्शन करना सीखेंगे। तो जब भी आप कभी किसी सेंसर का कनेक्शन करने जाओ तो आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि जो हमारा सेंसर है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर पे यहाँ पे लिखा गया है वोल्टेज, उसके सामने लिखा गया है 5 से लेके 40 वोल्ट और उसके बाद DC, यानी कि इस सेंसर को ऑपरेट कराने के लिए हम यहाँ पे 5 से लेके 40 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई होगा वो DC पावर सप्लाई होना चाहिए। सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज इस सेंसर का भी है, इसमें भी हमें 5 से लेके 40 वोल्ट DC पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें ये देखना होता है कि जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर के जो वायर है उसमें कितने वायर आपको मिल रहा है इस सेंसर को पावर सप्लाई देने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास में 2 डिफरेंट टाइप का सेंसर है, लेकिन इन दोनों में आपको 3 वायर मिल जाता है। किसी किसी सेंसर में आपको 2 वायर मिलेगा, किसी किसी सेंसर में आपको 4 वायर भी मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम केवल 3 वायर सेंसर का कनेक्शन करना सीखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि ये जो हमारे दोनों टाइप के सेंसर हैं, इन दोनों सेंसर का जो वायर है उनका कलर कोडिंग सेम है, यानी कि यहाँ पे हमें ब्लू, ब्राउन और ब्लैक 3 कलर का वायर मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंसर का वायर है इसका एक कलर कोडिंग होता है। यहाँ पे जो ब्राउन वायर है इसमें हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो ब्लू वायर होता है, ब्लू वायर में हमें नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपको आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा वो हमें ब्लैक वायर में मिलता है। अब यहाँ पे जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा उसमें हमें ये भी पता करना होता है कि वो पॉजिटिव सिग्नल है या फिर नेगेटिव सिग्नल। इसको पता करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हो या फिर आप सेंसर को देख लीजिए, सेंसर पे लिखा होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर के ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है NPN। इसी प्रकार से इस सेंसर में भी लिखा हुआ है NPN। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर से जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है वो नेगेटिव टाइप का होता है। यदि यहाँ पे NPN है तो हमें नेगेटिव सिग्नल मिलेगा, और यदि यहाँ पे PNP लिखा होगा तो उस कंडीशन में हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर का कनेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए हमें DC पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पे DC पावर सप्लाई के लिए मैंने एक SMPS का उपयोग कर लिया हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर का जो ब्राउन वायर है इसको ले जाके जो हमारा पावर सोर्स होगा उसका जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो इसके साथ में मैं ब्राउन वायर को कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद में ये जो ब्लू वायर है इसमें हमें नेगेटिव पावर सप्लाई देना पड़ता है, तो इसको भी हम नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेंसर था इसको ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा, इस सिग्नल को ले जाके हमें किसी PLC में कनेक्ट करना होता है या फिर किसी रिले को ऑन और ऑफ कराने के लिए उपयोग करना होता है। तो यहाँ पे हम इस रिले का उपयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा रिले है इसका जो कॉइल है, इसका जो कॉइल का टर्मिनल है वो है 13 और 14 नंबर का टर्मिनल। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा 13 नंबर का टर्मिनल है उसमें पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करता हूँ और इस वायर को मैं इस रिले के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि 13 नंबर टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सेंसर है इससे जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो नेगेटिव टाइप का होगा। यदि आप यहाँ पे PNP सेंसर इस्तेमाल करते तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलता, लेकिन यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं NPN टाइप का तो हमें यहाँ पे नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट सिग्नल है इस सिग्नल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हमारा जो रिले होता है
उस रिले के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। कनेक्शन कैसे किया गया एक बार और समझ लीजिए। देखिए, यदि आपका सेंसर NPN टाइप का है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो आपका रिले है उसको पॉजिटिव पावर सप्लाई डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव पावर सप्लाई इस रिले को दिया जाएगा वो हमारे इस ब्लैक वायर यानी कि सेंसर का जो आउटपुट सिग्नल है उससे कनेक्ट करके इस रिले को दिया जाएगा। और यदि आप यहाँ पे PNP टाइप का सेंसर इस्तेमाल करते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका रिले है उस रिले को नेगेटिव पावर सप्लाई डायरेक्ट देना है और इस रिले को जो पॉजिटिव पावर सप्लाई दिया जाएगा वो इस सेंसर के आउटपुट सिग्नल से ले जाके इसको दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ और ऑन करने के बाद मेरा जो सेंसर है इस सेंसर के सामने एक मेटल ऑब्जेक्ट को ले जाऊंगा जिससे कि हमारा जो सेंसर है उसको सेंस करे और आउटपुट कमांड जनरेट करे। तो मैं इस सेंसर के सामने इस टेस्टर को ले जाता हूं तो आप देख सकते हो यहां पे जो हमारा रिले है ये ऑन हो चुका है। यहां पे एक इंडिकेशन ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा रिले ऑन है। यदि मैं यहाँ से टेस्टर को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो रिले ये ऑफ हो गया। यहाँ पे मैं एक लैंप को कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि ये जो हमारा रिले यदि ये ऑन हो तो ये वाला लैंप ऑन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस लैंप को इस रिले के साथ में कनेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा सेंसर है इस सेंसर के सामने जैसे ही कोई टारगेट जाता है तो तुरंत ही एक सिग्नल जनरेट होगा और जो हमारा लोड है वो तुरंत ही ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमारा टारगेट इस सेंसर के सामने से हट जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा लोड होगा वो ऑफ हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, इस सेंसर को मैं सेंस करवाऊंगा तो तुरंत ही हमारा लोड ऑन हो जाएगा और इस सेंसर के सामने से टारगेट को हटाने के बाद हमारा लोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस सेंसर को या फिर दूसरे टाइप के सेंसर को बाय करना चाहते हो तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक के जरिए आप किसी भी प्रकार के सेंसर को बहुत ही सस्ते दामों में आसानी से बाय कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।